नमस्कार दोस्तों, न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाली महत्वपूर्ण गुना ग्वालियर इटावा रेल लाइन की। यह रेल लाइन को विद्युतीकृत हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन रेलवे द्वारा इस लाइन को नई ट्रेनों की सौगात नहीं दी गई। रेलवे द्वारा कोटा इटावा एक्सप्रेस को भी 2.5 साल बाद पुनः संचालित किया जा रहा है, लेकिन इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही लोगों को इस लाइन पर नई ट्रेनों की उम्मीद फिर से एक बार जाग गई है। चंबल क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा, जन समितियों द्वारा व सांसदों द्वारा लगातार नई ट्रेनों की मांग की जा रही है व कुछ ऐसी ट्रेनों के डाइवर्जन की बात की गई है। आइए इस लाइन को मैप में देखते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में इस मार्ग पर उधना बनारस स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन यह ट्रेन भी सीमित फेरों के साथ चलाई गई। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा गतिमान एक्सप्रेस का संचालन गुना तक करने की बात कही गई। इसके लिए उन्होंने रेलवे को पत्र भी भेजा है। इसी के साथ ही कुछ दिन पहले इस मार्ग पर सूरत प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का संचालन भी शुरू किया गया था। इस ट्रेन को परमानेंट करने की भी मांग जनता द्वारा की गई। दोस्तों, इसी के साथ ही भिंड रतलाम इंटरसिटी को भिंड से आगे बढ़ाकर इटावा तक करने की मांग जनता द्वारा की गई है। दोस्तों, भिंड की सांसद संध्या राय जी ने भी रेल मंत्री जी से कुछ ट्रेनों की मांग की है, जिनमें उन्होंने सुशासन एक्सप्रेस को इस मार्ग से गुजारने की बात की। इसी के साथ उन्होंने ओखा एक्सप्रेस व सूरत मुजफ्फर एक्सप्रेस की भी बात की। दोस्तों, इसी के साथ ही उन्होंने वरौनी मेल को भी ग्वालियर भिंड इटावा के मार्ग से गुजारने की बात कही है। दोस्तों, अगर हम कुछ और ट्रेनों की बात करें तो इंदौर अयोध्या एक्सप्रेस, इंदौर कामाख्या एक्सप्रेस की बात की गई है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ट्रेन को लेकर इस मार्ग पर मांग करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इस बात को आगे जरूर बढ़ाएंगे। हम मिलते हैं किसी ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अब आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।